जिंदा है लेकिन नहीं होंगे सलमान खान और कटरीना कैफ। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम अपने आप में बेहद खास है क्योंकि सलमान और कटरीना कैफ से जुड़ा हुआ है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि सलमान कैटरीना की जोड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ियों में से एक है और बॉलीवुड में जब भी ये जोड़ी साथ में आती है तो तहलका मचा कर रखती है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को हिला कर रख देती है। ग्राफ सीधा ऊपर जाता है और मूवी सुपर डुपर हिट होती है। इसीलिए आज मैं आप सभी से बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ सलमान कैटरीना के बारे में। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं आपसे फिल्म टाइगर जिंदा है की, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी और साथ ही साथ इस फिल्म में जिस तरीके से नजर आए थे सलमान और कटरीना, तो उन दोनों की सभी ने काफी ज्यादा तारीफें की थी। करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है फिल्म और एक बार फिर से किसी और लैंग्वेज में ये फिल्म बनने वाली है। किस लैंग्वेज में ये फिल्म बनेगी आप देखेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कैसे भारत फिल्म में, जो कि इसी साल ईद के मौके पर यानी कि 5 जून 2019 को रिलीज होगी, इसी ईद के मौके पर ये फिल्म रिलीज होगी और इस फिल्म में सलमान कटरीना शादी भी करेंगे, तो वहीं इन शादी की खबरों के बीचों बीच कैसे अलग हो चुके हैं सलमान कटरीना आप ये भी जानेंगे। जी हाँ, सलमान खान और कटरीना कैफ को अलग कर दिया गया है। अब ये क्या खबरें हैं, डाली नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर। बिल्कुल सही सुना आपने, एक बार फिर से हो रही है फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज, लेकिन नहीं होंगे आप सभी के पसंदीदा सलमान खान और कटरीना कैफ। सलमान खान के फैंस के लिए ये एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी खबरें आई हैं कि उनकी सुपरहिट फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है को दोबारा से सिल्वर स्क्रीन पर लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से इस फिल्म में आपको सलमान दिखने वाले हैं, तो आपको झटका लग सकता है। दरअसल सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाया था, लेकिन अब फिर से इसी फिल्म को लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं। खबर ये है कि इस फिल्म को तेलुगु भाषा में बनाने की पूरी पूरी तैयारियां चल रही हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जल्द ही सलमान खान की इस फिल्म को दक्षिण भारतीय भाषा तेलुगु में रीमेक किया जाएगा। पहले ये हो रहा था कि साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड में रीमेक किया जाता था, लेकिन अब चलन बदल रहा है, अब हिंदी फिल्मों को साउथ में रीमेक किया जा रहा है। जी हाँ, सामने आ रही जानकारी के मुताबिक साउथ में बनने जा रही इसी फिल्म पर सलमान खान का रोल गोपी चंद निभाने वाले हैं, जबकि लीड एक्ट्रेस के तौर पर तमन्ना भाटिया इस फिल्म में नजर आ सकती हैं। हालांकि इसका अभी तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस फिल्म को लेकर सामने नहीं आ रही है। ये तमाम जो रिपोर्ट है ये हमने आपको सोर्सेज के मुताबिक खबरों के आधार पर ही बताई है। लेकिन अगर टाइगर जिंदा है फिल्म तेलुगु में रिलीज होती है तो ये बॉलीवुड के लिए सबसे गर्व की बात होगी, क्योंकि अक्सर ही आपने देखा होगा कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ की फिल्में जो हैं रीमेक की जाती हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो हिंदी फिल्में भी साउथ में रीमेक की जाएंगी। सच में ही ये बड़े ही गर्व की बात है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि यही कारण है कि सलमान कटरीना अलग हो गए हैं, लेकिन फैंस को खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि सलमान कटरीना दोनों ही इस फिल्म में भले ही ना हो, लेकिन टाइगर जिंदा है तेलुगु भाषा में रिलीज होगी, ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। खैर, भले ही इस फिल्म के बनने से पहले ही सलमान कटरीना की अलग होने की खबरें आ गई हों, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म में अलग हुए हैं। ये ही खबर अब फैल रही थी और आपको जानकारी देना चाहेंगे, आपको एक खुशखबरी से रूबरू कराना चाहेंगे, जो कि खुशखबरी है सलमान खान और कटरीना कैफ की शादी की। वल सही सुना है आपने, हम बात कर रहे हैं आपसे फिल्म भारत। भारत साल 2019 की सबसे मच अवेटेड फिल्म है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लाइमलाइट का कारण भी फिल्म भारत की बनी हुई है। काफी लंबे समय से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फैंस को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार करना होगा ईद तक।
जी हाँ, खबरों के अनुसार भारत फिल्म 5 जून 2019 को रिलीज होगी। ईद के मौके पर यह फिल्म भारत में रिलीज की जाएगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत फिल्म जहां ईद के मौके पर रिलीज होगी और फिल्म में सलमान कटरीना की शादी बेहद ज्यादा लाइमलाइट का कारण बनी हुई है। खबरें ये हैं कि सलमान कटरीना एक सॉन्ग में शादी करेंगे और ये पूरा सॉन्ग होगा, अभी खबरों के आधार पर यही पता लगा है। इसके अलावा खबरों के आधार पर ये भी पता लगा कि सलमान और कटरीना की फिल्म के लिए और साथ ही इनकी शादी के लिए एक भव्य मंडप का भी इंतजाम किया गया था, काफी सजावट भी की गई थी। अब ये जो सजावट है, सलमान कटरीना की जो शादी है, वो फैंस को काफी ज्यादा बेताब जरूर कर रही है। खैर, इसके अलावा अगर गाने में सलमान कटरीना शादी करने वाले हैं तो ये गाना सच में ही बेहद ज्यादा वायरल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म टाइगर जिंदा है में दिल दिया गल्ला गाने को लेकर काफी ज्यादा ही खबरें बनी थी। जैसे ही ये गाना सामने आया था, आंधी तूफान की तरह वायरल हो गया था, लव वर्ड्स के मुंह पर चढ़ा हुआ था और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी ये गाना काफी पसंद आया था। तो वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि अगर फिल्म भारत का ये गाना जिसमें सलमान कटरीना शादी करने वाले हैं, जो कि खबरें आ रही हैं, उसमें भी सलमान कटरीना का ये गाना वायरल हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर सलमान खान की बात की जाए तो सलमान खान की फिल्म रेस 3 जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर चुकी है, काफी अच्छा कलेक्शन इस फिल्म ने किया था, लेकिन फिर भी सलमान खान को सलमान खान के फैंस द्वारा पसंद नहीं किया गया। जी हाँ, फैंस ने काफी आलोचनाएं की, काफी ट्रोल किया सलमान खान को, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान अब फैंस को ये जो तोहफा देने वाले हैं भारत के रूप में, फैंस की सारी शिकायतें इस फिल्म से दूर हो जाने वाली हैं, ऐसा लग रहा है अभी तक। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए कटरीना कैफ की, तो कटरीना कैफ का करियर भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है। जहां फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कटरीना कैफ के लिए कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लेकर आई थी, तो वहीं हालिया रिलीज हुई कटरीना कैफ की फिल्म जीरो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और साथ ही साथ जीरो में कटरीना कैफ के रोल को भले ही पसंद किया गया हो, लेकिन जीरो भी उतना ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई जितना कि फिल्में दिखाती आई हैं कटरीना कैफ की। लेकिन सलमान कटरीना को हमेशा से ही साथ में बेहद ज्यादा पसंद किया गया है। जी हाँ, सलमान कटरीना की जोड़ी जब भी पर्दे पर आती है, फैंस सिर्फ और सिर्फ सब कुछ छोड़कर इन दोनों की फिल्में देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच जाते हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस तो ताबड़तोड़ होते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार भारत में क्या देखने को मिलेगा। आपने जाना कि कैसे साउथ में एक बार फिर से टाइगर जिंदा है बन रही है, और इस बार सलमान खान ने जो किरदार निभाया था टाइगर जिंदा है में, वो गोपी चंद निभाएंगे एक्टर, और साथ ही साथ कटरीना कैफ की भूमिका में नजर आएंगी तमन्ना भाटिया। खैर, ये शॉकिंग नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर साउथ की फिल्में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनती आई हैं, और इस बार अगर साउथ में हमारी हिंदी फिल्में बन रही हैं तो इससे गर्व की बात शायद ही बॉलीवुड के लिए कोई और हो। हमने बात की आज आपसे कि कैसे भारत में सलमान खान और कटरीना कैफ एक सॉन्ग में शादी करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। खबरों के अनुसार अभी तक यही पता लग पाया है कि सलमान खान और कटरीना कैफ रियल लाइफ में ना सही, लेकिन रियल लाइफ में जरूर शादी कर रहे हैं, और वो शादी कर रहे हैं एक गाने में जो कि भारत में आने वाला है, ऐसी खबर जोरों पर है। अब देखना यह होगा जब यह फिल्म रिलीज होती है कि आखिरकार कितना बड़ा सीक्वेंस है सलमान खान और कटरीना कैफ की शादी का। और आई खबरों की बात की जाए, मीडिया में आई रिपोर्ट्स की बात की जाए, तो खबर यह भी है कि एक आलिशान सेट भी तैयार किया गया था सलमान खान और कटरीना कैफ की शादी के लिए। तो वहीं टाइगर जिंदा है एक बार फिर से आप सभी को देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें सलमान खान और कटरीना कैफ नहीं देखने को मिलेंगे। ये खबर सबसे बड़ी खबर थी अभी तक की।
वाला ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।